लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 32 प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब है बच्चों कहावतें। ओके, सो हमें इनकी कन्वर्जेशन पढ़नी है और इन एम्प्टी ब्लॉक्स को प्रोवर्ब्स में फिल करना है जो भी इनकी कन्वर्जेशन से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो दिस पर्सन इज सेइंग विवेक द वेदर हैज Really been cold for the past few days. मौसम कुछ दिनों से बहुत ठंडा हो रहा है। I think हमें स्कूल नहीं जाना चाहिए जब तक कि ये थोड़ा वार्म ना हो जाए, गर्म ना हो जाए। No, शिखा, we shouldn't let this weather stop us. हमें इस वेदर से रुकना नहीं चाहिए, इस वेदर को हमें रोकने देना भी नहीं चाहिए। Come on. These difficult situation should motivate us even more. In difficult situation से हमें और ज़्यादा motivation मिलनी चाहिए, हमें और ज़्यादा motivate हो जाना चाहिए। तो बच्चों, जब हम अपनी situation से नहीं घबराते हैं और हम tough चीज़ें करते हैं, तो उस चीज़ के लिए एक कहावत कही गई है, When the going gets tough, the tough gets going. मतलब जब कुछ करना हमें मुश्किल लगता है तो वो मुश्किल ही हमारे लिए आसान हो जाती है। ओके, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो चलिए आगे चलते हैं। हा हा, लुक एट दैट सैम, ही हैज बीन टॉकिंग टू द टीचर ऑल डे होपिंग ही विल गेट गुड मार्क्स इन क्लास टेस्ट। सैम को देखो, वो हर टाइम टीचर से बात करता रहता है। आई होप कि वो क्लास टेस्ट में गुड मार्क्स अचीव कर लेगा। टॉम, इट्स फनी यू शुड से दैट। टॉम, इट्स फनी, आपको ये कहना ही चाहिए, बिकॉज पूरे साल तुम भी क्लास टीचर के साथ यही कर रहे थे। मतलब अगर जो आप कर रहे हो वो दूसरा कर रहा है तो आपको उसे टोकना नहीं चाहिए। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज, लोग जो खुद शीशों के घरों में रहते हैं, शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, उन्हें पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ओके, उन्हें डरना चाहिए कि वो बात उन तक दोबारा आ सकती है। सो पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। नेक्स्ट देखते हैं, सिंस आई जॉइंड दिस स्कूल, मैंने जब से ये स्कूल ज्वाइन किया है, आई हैव मेट ओनली 3 पीपल, मैं सिर्फ 3 लोगों से मिली हूँ, हु इन्जॉय डिस्कसिंग स्टडीज़, जो स्टडीज़ को डिस्कस करना इन्जॉय करते हैं, एंड नॉट जस्ट टीवी शोज़ एंड गॉसिप, और सिर्फ टीवी शोज़ और गॉसिप्स की बातें ही नहीं करते। ये पुनीत, आई हैव नोटिस्ड यू जनरली हैंड आउट विद ओनली Those 3 students. मैं नोट करता हूँ कि सिर्फ तुम उन्हीं 3 students के साथ रहती हो। It must be so because you share interest. ऐसा इसीलिए होता है कि तुम एक equal interest, similar interest share करते हो। Okay? So birds of a feather flock together. मतलब एक जैसे interest वाले लोग एक साथ रहते हैं। Birds of a feather flock together. Okay? So, बच्चों, यहाँ पर हमने पढ़ा कुछ कहावतों के बारे में। So, आपको भी इन प्रोवर्ब्स को लर्न करना है। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।